Assalamualaikum. My name is Wardha Shabbir, and I'm here at my opening of my solo show at Canvas Gallery Karachi. My solo show is, a display of various paintings, which has sculpture pieces as well. और ये काम जो है ये different passages और human being के life experiences के बारे में है जो काम है वो basically हमारे usual life experience के बारे में है कि हम किन चीज़ों में से रोज़मर्रा की चीज़ों में से गुजरते हैं और हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं एज एन आर्टिस्ट और उनको फिर मैं विजुअली पोर्ट्रेट करती हूँ अपनी पेंटिंग्स के ऊपर लेकिन जो काम है जब वो बन जाता है और जब उसका डिस्प्ले होता है तो उसका नैरेटिव कंस्ट्रक्ट होता है एक स्पेस के बारे में सो इट्स ऑल अबाउट द टाइटल ऑफ द शो इज़ ऑल्सो कॉल्ड विद इन स्पेसेस सो इट्स अबाउट स्पेस इट्सेल्फ कि किस चीज़ से वो सारी चीज़ें मिल के एक स्पेस क्रिएट करती हैं मेरे लिए काम और स्पेस अलग चीज़ें नहीं हैं जब काम लग जाता है तो वो एक काम बन जाता है दे आर नॉट सेपरेट वर्क्स अस्सलामुअलैकुम आज हम कैनवस गैलरी में खड़े हैं जहां वर्धा शबीर का शो द स्पेस विद इन शुरू हुआ है वर्धा एक यंग आर्टिस्ट हैं इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं लेकिन उन्होंने अपने छोटे ही अरसे में बहुत नाम कमाया है ये जमीन प्राइज़ जो एक इंटरनेशनल बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज़ है इसकी नॉमिनी रह चुकी हैं फिल वक्त इनका काम जो है विक्टोरियन एल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में डिस्प्ले हुआ हुआ है क्योंकि ये शॉर्टलिस्टेड थी एज अ जमीन प्राइज़ नॉमिनी और वो इनका जो कलर पैलेट है जिस नफासत से काम करती हैं जिस खूबसूरती से ये अपना कॉन्सेप्ट लेकर आती हैं ये ज़ाहिर एक बहुत मुनफरद किस्म का कॉन्सेप्ट है उसके अलावा इन्होंने पेंटिंग्स के साथ मिनीचर पेंटिंग्स के अलावा बिकॉज शी इज़ अ ट्रेंड मिनीचर आर्टिस्ट इन्होंने इस दफ़ा न्यू मीडिया वर्क्स भी किए हैं ऑब्जेक्ट्स किए हैं दो स्कल्पचरल काम हैं जो कि बहुत ही मुनफरद हैं मतलब उनको आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन ये फैब्रिकेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनका काम जो इनकी ट्रेजेक्ट्री है ये बहुत अच्छी जा रही है और ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको हमने शुरू से देखा है और हर दफ़ा शी नेवर सीज़ेस टू अमेज़ अस ज़रूर आके देखिएगा थैंक यू